समझ में नहीं आ रहा है अपने परिवार की खुशियां वापस कैसे लाई जाए। हमें घर में जागरण करना होगा और चिराग भी उस जागरण में शामिल होगा। अगर चिराग के अंदर कोई शैतान है तो वो माँ की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगा। चिराग जागरण में बैठ गया तो मेरे मालिक तबाह हो जाएंगे। मुझे भजन मंजीरों और घंटियों की आवाज होती है ना, उनसे डर लगता है। हिम्मत और हौसला हो तो हम बड़े से बड़े डर का सामना कर सकते हैं। कम ऑन चिराग, फाइट करो। मैं साबित करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा वो नहीं जो सब लोग सोचते हैं। अगर आपके लिए मेरा जागरण में बैठना इतना जरूरी है तो मैं बैठूंगा। कल की रात मुझे बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरना है माँ, मेरी मदद करना, मेरे विश्वास की रक्षा करना माँ। विद्या अगर चिराग को जागरण में ले गई तो मालिक का खत्म होना तय है, और अगर मालिक खत्म हो गए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। क्या करूं, कैसे बचाऊं मेरे मालिक को, कैसे? सवाल बस आज रात का है, किसी तरह ये रात कट जाए बस। मेरे मालिक को बचाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मालिक को बचाने के लिए मैं मेरी पूरी ताकत झोंक दूंगी। हेलो। हेलो आंटी। आप कौन? मैं बुलबुल आंटी, उसकी मिले थे ना स्कूल में। कैसे हो तुम? आई एम फाइन आंटी। चिराग है? हाँ है ना, देती हूँ उसे फोन। चिराग तुम्हारे लिए फोन है। बुलबुल लो, बात कर लो। अच्छा ठीक है, तुम बात कर लो, मैं बाहर जाती हूँ। हेलो। थैंक गॉड, मेरी आवाज तो सुनने को मिली। तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला? तुम हो कहाँ? कितना मिस करती हूँ तुमको। क्यों? मुझे क्यों मिस कर रही हो? बाकी स्टूडेंट्स भी तो हैं। ज्यादा भाव मत खाओ, ओके? मैं तुम्हें मिस करती हूँ। Because you are my best friend. Oh, hello. मैं किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, कौन है वो? बताओ मुझे। बोल मत चलो कि उसका बैग। Shut up, बुलबुल। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मम्मी है। ठीक है, बाय। तुम पहले प्रॉमिस करो कि कल तुम स्कूल जाओ।
जरूर आओगे? ओके आऊंगा, बस ओके बाय सी यू। बोल श्री अंबे मात की जय। कमाल कर दिया विद्या, इतनी सुंदर मूर्ति, लगता है माँ भी बोल पड़ेंगी। भाभी मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस हाथ चलाया, आकार स्वरूप माँ ने खुद ही लिया है। सच विद्या, श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमा है ये मूर्ति। हाँ भाभी विश्वास तो है, तो इसी श्रद्धा के नाम पे बोलो अम्बे मात की जय। यशोधन जी विद्या बोल रही हूँ, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे बेटे को शैतान साबित करने में। आपने जो बन पड़ा आपने किया, इस बात की भी परवाह नहीं की कि एक माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। विद्या मेरी बात पूरी होने दीजिए, अब मेरी बारी है साबित करने की कि मेरा बेटा निर्दोष है, निष्पाप है। और इसी बात को साबित करने के लिए मैंने घर में जागरण रखा है। मेरा बेटा चिराग उस जागरण में बैठेगा, और सिर्फ बैठेगा ही नहीं बल्कि माँ के भजनों पर नृत्य भी करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, चिराग माता की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। यशोधन जी मेरा बेटा माँ की ही देन है, वो उनके सामने जरूर आएगा। आप भी आइए और अपनी आंखों से देखिए, कम से कम उसके बाद आप मेरे बेटे को शैतान कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो आप आ रहे हैं ना? चिंता मत कीजिए, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं करेगा, यहाँ तक कि देवांग भी आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। इतनी ज्यादा उम्मीद मत लगा विद्या, वो उम्मीद जब टूटती है ना तब बहुत तकलीफ होती। उम्मीदें नहीं टूटेंगी माँ, पर वहम जरूर दूर होगा। बस थोड़ी देर और सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सही साबित हो इसलिए मैंने जागरण के लिए हाँ किया था, इसलिए नहीं कि यशोधन को तुम घर पे बुलाओगी। वो यशोधन जिसने हमारे चिराग के साथ, विद्या मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं, और तुमने फिर भी, आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद यू विद्या। देवांग देवांग मैं जानती हूँ कि आपको यशोधन जी से प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर किया है। जानबूझ के? विद्या तुम कैसी बात? देवांग माँ के दिमाग में सारे शक यशोधन जी ने डाले, तो उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। तुम्हारी बात सही है और तुम्हारे मकसद पर कभी शक नहीं किया है मैंने, लेकिन तुम जानती हो चिराग मेरी तरह है, वो इन सब चीजों को नहीं मानता है। अगर वो जागरण में नहीं बैठा तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक मिनट के लिए मान लो अगर ऐसा हो गया तो तब क्या करेंगे? फिर से सब उसे शैतान कहेंगे, फिर से उसके ऊपर सवाल उठेंगे। पप्पू तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। देवांग मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अम्बे माँ पर पूरा भरोसा है। Thank you.
चिराग, क्या तुम चुप चुप कर मम्मी पापा की बातें सुन रहे थे? नहीं तो ये क्या, तुम अब तक रेडी नहीं हुए? जल्दी से तैयार हो जा, आज अम्बे माँ हमें दर्शन देने वाली है। क्या अम्बे माँ दर्शन देंगी? पर वो कैसे मम्मी? बेटा, जब आप पूरे भक्ति भाव से अम्बे माँ के भजनों पर नृत्य करोगे तब अम्बे माँ को महसूस करोगे। पर मम्मी आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, मुझे कोई और माँ नहीं चाहिए। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। देवान, आप इसे तैयार करके लेकर आइए, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। चिराग। हाँ पापा। क्या हुआ बेटा? पापा पापा कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ? नहीं। अच्छा दर। आपने होमवर्क किया? हाँ पापा, कब का कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, मम्मी को प्यार करते हो? हाँ बहुत प्यार करता हूँ। तो आज आप और आपकी मम्मी दोनों का बहुत बड़ा इम्तिहान, मतलब एग्जाम है। अपनी मम्मी के भरोसे को टूटने नहीं दोगे ना? बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है विद्या बेकार में इतना तामझाम कर रही है, उसे मम्मी की बात पर भरोसा कर लेना चाहिए, भला मम्मी कभी गलत हो सकती है। शनाया, मुझे लगता है चिराग जागरण में जरूर आएगा। और अगर ऐसा हो गया तो मम्मी फिर क्या करेंगी आप? करना क्या है, चिराग की हरकत ही साबित कर देगी कि उसके अंदर एक शैतान है। फिर मैं और यशोदन जी हमने जो विधि अधूरी छोड़ी है उसे पूरा करेंगे। भगवान करे ये नौबत ही ना आए, चिराग जागरण में जरूर आएगा। मोटा पापी सच कह रही है, हमारा चिराग जागरण में आएगा और डांस भी करेगा, देखना। मेरा भी दिल कहता है अम्बे माँ विद्या भाभी की आस्था को टूटने नहीं देंगी, उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगी। विद्या का विश्वास टूटना भी नहीं चाहिए, वो एक माँ है। और मैं समझ सकती हूँ, जब चिराग के बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। तुम लोग अंदाजा लगाना बंद करो और थोड़ा सा इंतजार करो, बस अभी फैसला हो जाएगा कौन सही है कौन गलत। फैसला हो जाएगा? नहीं, फैसला हो गया। जरा वहां देखिए, तुम्हें जागरण में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। बापूजी, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि अचानक ही मेरे मन में भक्ति या श्रद्धा भाव जाग गया। मैं यहाँ आया हूँ विद्या के लिए, वो बहुत अकेली पड़ गई थी, उसे जरूरत है इस वक्त मेरी। पति का फर्ज होता है कि वो पत्नी का साथ दे, और मैं अपना फर्ज निभाना अच्छे से जानता हूँ बापूजी। विद्या, अब मुझे तुम्हारी जीत पर कोई शक नहीं। जो देवांग को जागरण में आने के लिए मना सकती हो, चिराग को ला सकती हो, उसे अपने आप पर कितना भरोसा होगा। और जीत हमेशा भरोसे की होती। सबको इतनी जल्दी क्या है जीत हार के फैसले की? जागरण शुरू तो होने दो, सबके सामने फैसला आ जाएगा, सबके सवालों का जवाब मिल जाएगा। बोलो अम्बे माता की जय। बोलो अम्बे माता की जय। विद्या,
मेरे बच्चे की जिंदगी अब तेरे हाथ में है माँ। उसके माथे पर लगा कलंक अब तुम्हें मिटाना है। मेरे यकीन को ठेस मत पहुंचा देना माँ। बड़ी उम्मीद से जागरण करवा रही हूँ, मुझे ना उम्मीद मत करना माँ। बोलो श्री अम्बे माता की जय। देखा मम्मी, मैंने कहा था आप गलत हो ही नहीं सकती। आपका शक सही निकला, चिराग डर कर भाग गया। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, उससे बात करूँ। नहीं देवा, मुझे अकेले ही जाना होगा। ये मेरे भरोसे पे उठा सवाल है जिसका जवाब मुझे अकेले ही खोजना होगा। चिराग, चिराग, जो कुछ भी हुआ उसने मुझे परेशान किया। बेचैन हो गई थी मैं, पर अब चिंता की कोई बात नहीं। सारे झमेले से बाहर निकलने का रास्ता अब साफ है। चिराग, चिराग आया नहीं ना अभी तक, आएगा भी नहीं। मम्मी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। वो म्यूजिक की आवाज मुझे बहुत डरा रही थी। मम्मी, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मुझे वहां जागरण में नहीं जाना। चिराग, तुमने प्रॉमिस किया था मम्मी से और फिर तुम भूल गए। हिम्मत और हौसले से डर पर जीत पाना सिखाया था ना मम्मी ने। बेटा, अगर आज तुमने अपने डर पर जीत हासिल नहीं की तो पता है मम्मी के साथ क्या होगा? मम्मी किसी से आंखें नहीं मिला पाएगी। आज तुम्हारा नहीं, तुम्हारी मम्मी का इम्तिहान है, उनके विश्वास का इम्तिहान है। क्या तुम चाहते हो सब लोग तुम्हारी मम्मी पर हंसे, उनका मजाक उड़ाए? अगर किसी ने मेरे और मेरे बच्चे के बीच में आने की कोशिश की तो मैं सारे रिश्ते भूलकर सबकी जान ले लूंगी। नहीं मम्मी, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा।